The whole world will acknowledge me. आज मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसी घटनाएं जब WWE रेसलर्स को किडनैप किया गया। कई सालों पहले बुगी मैन का एक यादगार मोमेंट देखने को मिला था। दरअसल स्मैकडाउन के एक एपिसोड में बुकर टी की पत्नी शार्मेल को बुगी मैन ने किडनैप कर लिया था। वो उन्हें अपने साथ बैकस्टेज ले गई और WCW दिग्गज इसमें कुछ नहीं कर पाए। रॉ के एक एपिसोड में मिकी जेम्स के मैच के दौरान ट्रिश स्ट्रेटस रिंग साइड पर थी। मास्क में मौजूद दो सुपरस्टार्स ने एंट्री की और वो ट्रिश को उठाकर अपने साथ ले गए। एज अपने समय में एक टॉप हील थे। स्मैकडाउन के एक एपिसोड में केन रिंग में थे और इसी बीच एज अपने साथ द बिग रेड मशीन के ऑन स्क्रीन पिता पॉल बेरर को स्टेज एरिया पर लेकर आए थे। पॉल व्हील चेयर पर थे और उनका मुंह बंधा हुआ था। बाद में रेटेड आर सुपरस्टार उन्हें अपने साथ बैकस्टेज ले गए। काफी सालों पहले कर्ट एंगल और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की दुश्मनी देखने को मिली थी। इसी बीच बैकस्टेज सेगमेंट के दौरान एंगल ने स्टोन कोल्ड पर हमला किया और उन्हें अपने साथ ले गए। कुछ हफ्तों पहले रॉ के एपिसोड में द मीज एक टैग टीम मैच का हिस्सा थे। इसी बीच डेक्स्टर लूमिस आकर द मीज को अपने साथ बैकस्टेज ले गए थे। WWE में सालों पहले स्टेफनी मैकमैन, ट्रिपल एच और द अंडरटेकर की दुश्मनी देखने को मिली थी। इसी दौरान एक सेगमेंट दिखाया गया जहां स्टेफनी मैकमैन अपनी गाड़ी में बैठी हुई थी और ड्राइवर गाड़ी चलाकर उन्हें अपने साथ ले गया। बाद में पता चला कि वो ड्राइवर असल में द डेडमैन अंडरटेकर थे और ये देखकर स्टेफनी भी डर गई। सेथ रॉलिंस और केन ने काफी समय तक साथ में काम किया है, हालांकि उनके बीच दुश्मनी भी देखने को मिली है। रॉ के एक एपिसोड में केन ने रिंग को फाड़ कर एंट्री की और रॉलिंस को अपने साथ रिंग के नीचे ले गए। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी। रेसलिंग रिगार्डिंग ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज लगातार देखते रहने के लिए अपने होस्ट और दोस्त स्वप्निल के इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।